गुड मॉर्निंग एवरीवन वन कॉन्टिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइजिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर उस रेशो को हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो जिसमें जो पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर जो शेयर है प्रॉफिट का रिमेनिंग पार्टनर्स का वो इंक्रीज हो जाता है तो वो रेशो जिसमें जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका शेयर इंक्रीज़ हो रहा है उसे हम कहते हैं गेनिंग रेशो दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग सेक्रीफाइज रेशो का मतलब है वो रेशो जिसमें जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट का एक पार्ट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर तो उसे सेक्रीफाइस रेशो कहा जाता है गेनिंग रेशो वो रेशो जिसमें जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो एक्वायर कर रहे हैं शेयर रिटायरिंग पार्टनर का तो उसे गेनिंग रेशो कहा जाता है टाइम ऑफ कैलकुलेशन जो सेक्रीफाइज रेशो है वो कैलकुलेट की जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और गेनिंग जो रेशो है वो कैलकुलेट की जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर देन इफेक्ट की बात करें तो जो सेक्रीफाइज रेशो है वो डिक्रीज करती है ओल्ड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट जबकि जो गेनिंग रेशो है वो इंक्रीज करती है जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइजिंग रेशो के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो और गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो केस ऑफ सेक्रीफाइज रेशो उस केस में जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स रिसीव करते हैं न्यू पार्टनर सेक्रीफाइजिंग रेशो में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो रिसीव करते हैं न्यू पार्टनर से अमाउंट ऑफ गुडविल जब हम गेनिंग रेशो की बात करें तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ गुडविल है जो रिटायरिंग पार्टनर को पे की जाती है वो वो पार्टनर्स पे करते हैं जो गेन कर रहे हैं तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है that is adjustment of goodwill and its treatment. जैसे कि हमने अपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कि जो गुडविल है फॉर्म की उसमें कंट्रीब्यूशन है उन सभी पार्टनर्स का जो उसके लिए काम कर रहे हैं तो जब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको उसकी गुडविल का जो शेयर है वो मिलेगा क्योंकि जब उसकी डेथ हो रही है तो जो बेनिफिट है गुडविल का जो पुराने पार्टनर्स हैं वो उसकी डेथ के बाद भी उठाएंगे उसका बेनिफिट तो जिस रेशो में वो उसका बेनिफिट उठाएंगे फ्यूचर में

किया है उन्होंने तो वो जिस रेशो में उन्होंने गेन किया है उसी गेनिंग रेशो में वो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट करेंगे और वैल्यूएशन कैसे होगी गुडविल की वो ऑलरेडी जब आप पार्टनरशिप डीट लिखते हैं उसमें डिसाइड किया जाता है देन नेक्स्ट इसका हम जो ट्रीटमेंट है वो देख लेते हैं उसके लिए एंट्री हमारी क्या बनेगी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं ये सिर्फ जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनका अकाउंट डेबिट होगा उनकी गेनिंग रेशियो में इसका एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं एक्स फाइव एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसिज इन देशियो ऑफ फोर इज टू थ्री इज टू थ्री जेड रिटायर्स एंड द गुडविल ऑफ दल्यूड एट वन लैक फोर्टी 1,40,000. एक्स एंडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी रेशियो फोर इस फॉर्म की गुडविल कितनी है वन लैक फोर्टी थाउजेंड रिटायर कौन हो रहा है जेड रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर कितना है उसका शेयर है थ्री बाय टेन तो जो गुडविल है वन बाय फोर्टी उसका थ्री बाय टेन हम निकालेंगे तो हमारा जेड का शेयर निकल जाएगा गुडविल का वो आया हमारा फोर्टी टू थाउजेंड अब इस फोर्टी टू थाउजेंड को जो आपके गेनिंग पार्टनर्स हैं जो रिमेनिंग पार्टनर्स जिस रेशो में गेन कर रहे हैं उस रेशो में कंपनसेट करेंगे जेड को तो अब पहले गेनिंग रेशो हम देखेंगे क्या है जो आपका ओल्ड रेशो है वो है फोर इज टू थ्री इज टू थ्री और जो न्यू रेशियो है वो है फोर इज टू थ्री तो एक्स की गेनिंग रेशियो हमने निकाली फोर बाय सेवन न्यू रेशियो माइनस फोर बाय टेन तो माइनस करके आपका जो आया दैट इज ट्वेल्व बाय सेवेंटी सेम तरीके से वाई की गेन गेनिंग रेशियो हमने निकाली 3/7 3/10 तो वो ये आपका 9/70 तो आपकी रेशियो आ गई गेनिंग रेशियो 4/3 तो इस 42000 को आप डिवाइड करेंगे 4/3 की रेशियो में तो x के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा 24000 और y के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा 18000 देन नेक्स्ट है हमारा व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स इसमें सेम चीज फॉलो होगी जो एडमिशन वाले चैप्टर में फॉलो हो रही थी दैट इज कि उसे आप राइट ऑफ करेंगे अमंग ऑल दी पार्टनर्स और उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में तो एंट्री क्या हो गई ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और उनकी ओल्ड रेशियो में इक्वेशन इसका हम देख लेते हैं एल एम एंड एन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1

बीच में तो एम एल कैपिटल अकाउंट डेबिट एम कैपिटल अकाउंट डेबिट एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट सिक्सटी सिक्स थाउजेंड को आप डिवाइड कर देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है थ्री इज टू टू इज टू वन तो एल के कैपिटल अकाउंट में थर्टी थ्री थाउजेंड एम के कैपिटल अकाउंट में ट्वेंटी टू थाउजेंड और एन के कैपिटल अकाउंट में इलेवन थाउजेंड दे जो वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड पूरी फॉर्म की गुडविल है एन जब रिटायर हो रहा है जब रिटायर हो रहा है तब जो आपने वैल्यू की है वन थर्टी फाइव थाउजेंड, तो उसमें उसका शेयर कितना है? एन, हो रहा है, एन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है वन बाय सिक्स तो वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड का वन बाय सिक्स आपने निकाला तो वो आया ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और उनकी गेनिंग रेशियो कितनी आई है आपका जो ओल्ड रेशो है वो है गिवन थ्री इंस टू टू इंस टू वन और एन रिटायर हो रहा है तो दोबारा से जो रेशो है न्यू रेशो गिवन नहीं है इसका मतलब जो पुरानी रेशो है वही आपकी गेनिंग रेशो हुई तो गेनिंग रेशो हुई आपकी थ्री इज टू तो ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड को आप डिवाइड करेंगे थ्री इंस टू टू की रेशो में तो एल कैपिटल अकाउंट डेबिट एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड

वहां पर हम क्या करते थे क्योंकि वहां पर नया पार्टनर एडमिट कर रहा है और नए पार्टनर का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जो एसेट्स और लाइबिलिटीज आप रिवेल्यू कर रहे हो और उससे जो प्रॉफिट और लॉस आपको हो रहा है तो हम वहां पर डिवाइड करते थे रिवेल्युएशन का प्रॉफिट और लॉस अमंग ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पर कोई न्यू पार्टनर नहीं है सारे ओल्ड पार्टनर्स हैं और जो भी रिवेल्युएशन का प्रॉफिट और लॉस आएगा वो सभी पार्टनर्स में डिवाइड होगा इंक्लूडिंग जो पार्टनर रिटायर हो रहा है नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसकी भी सेम ट्रीटमेंट होगी जो भी आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व हैं, उनको भी आपने सभी पार्टनर्स में डिवाइड करना है उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो सेम एंट्रीज फॉलो होंगी अगर आपके जर्नल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस या अदर रिजर्व है तो जर्नल रिजर्व अकाउंट उनकी ओल्ड रेशियो में देन एकटेड लॉसेस भी सेम तरीके से तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस जो है आपका और वही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस स्पेसिफिक का